Assalamu alaikum students. Today we are going to learn bridge course activity number 8. Look at the learning outcomes. Recites or sings some poem or songs with action. Inshallah students, आपको इस activity के बाद poem या कोई song with action बहुत ही अच्छे से recite करने आ जाएगा. Here are instructions for teachers, parents and facilitator. That is, we will read the poem with loud voice. We will read with proper rhythm. And students, you will repeat this poem after me. Students, I will show you a card and you will read the pairs of the word which create similar sound. Yani main aapko kuch cards dikhaungi ya kuch pictures dikhaungi jis par likhe hue words ke jo pair honge aap usko padhenge jo ke same sound similar sound ko create karenge. Students, aapko kya karna hai? Watch the video carefully, see the action and do the same. आपको ये वीडियो को ध्यान से देखना है और जो भी actions इसमें आप poem में कर सकते हो वो action करोगे. And listen to the poem, song and repeat after the teacher loudly. मैं जब पढ़ूंगी आपको मेरे बाद में जोरदार आवाज में पढ़ना है. Practice alone with your friends and record your voice. आपको आपकी फ्रेंड के साथ या आपको अकेले में ये एक्टिविटी करनी है और आपके खुद की आवाज को रिकॉर्ड करना है. डियर स्टूडेंट्स, आई विल रीड दिस पोएम एंड यू विल रीड आफ्टर मी. वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड कम हॉप हॉप हॉप. आई क्राइड लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक्शन वर्ड्स का एक पिक्चर कार्ड बताया गया है. जैसे कि इसमें वॉक, आप इसका सिमिलर साउंड वर्ड्स बताइए. वॉक, टॉक, इसके आगे इसी तरह से रन, फिर फन, इस तरह से एक्शन वर्ड्स आप सारे के सिमिलर खुद पढ़िए और सिमिलर वर्ड्स बताइए. लुक एट द सॉल्व एक्टिविटी. Read the above poem and write repeated words. Repeated words means जो बार बार repeat हुए हैं, दोहराए गए हैं. Little bird, hop, hop, hop. Stop, stop, stop. Students, practice questions में आपको बताया गया है कि collect some more action words from various poems and practice. यानी आपको net से या कोई और किताबों से बुक्स के अंदर से आपको ऐसी पोएम्स ढूंढनी है जिसके अंदर एक्शन वर्ड्स बताए हुए हैं. हमने प्रीवियस जो एक्टिविटी की है ब्रिज कोर्स की, उसमें एक्शन वर्ड मैंने समझा चुकी हूँ. एक्शन वर्ड्स ऐसे पोएम में से ढूंढना है और आपको उन वर्ड्स को लाउडली पढ़ना है विथ एक्शन. वॉच यूट्यूब वीडियोज एंड कॉपी एक्शंस. यूट्यूब वीडियोज एक्शन वर्ड्स के लिए देखिए और वो एक्शंस को कॉपी कीजिए. मेक वीडियोज ऑफ योर वर्ड सेइंग एंड एक्शंस. आप अपना खुद का एक वीडियो बनाइए जिसमें आप इन वर्ड्स को बोल रहे हो और एक्शन कर रहे हो. हरकत के साथ जब आप ये वर्ड्स को रिपीट कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे, वैसा एक वीडियो आपको बनाना है. डू दिस एक्टिविटी विथ योर फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों के साथ में ये एक्टिविटी को कीजिए. प्रैक्टिस अलोन और विथ पीयर्स. आप अकेले भी कर सकते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ कीजिए. जिस भी तरह आपके लिए मुनासिब हो आप वैसे एक वीडियो बनाइए. एक्सटेंशन एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि रीड द फॉलोइंग टंग ट्विस्टर्स एंड एक्ट अलाइक. स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. आपको पता है कि टंग ट्विस्टर्स होता क्या है? जिसमें हमारी टंग, हमारी जबान ट्विस्ट होती है, मतलब उलट पलट हो जाती है. जैसे हम बचपन से सुनते आते हैं, एक टंग ट्विस्टर मैं बताती हूँ जो हिंदी में है. हम बचपन में अक्सर खेला करते थे ये गेम,
कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बार बार हम बोलते थे तो बार फिर वर्ड्स हमारे ट्विस्ट हो जाते थे, पकड़ पकड़ या कुछ अजीब सा बोल देते थे हम। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंगू, पिंगू पकड़े पका पपीता। यस आई डिड इट, आप भी करके देखिए इस तरह से टंग ट्विस्टर, जिसमें आपको इंग्लिश में यहाँ पर कुछ लाइंस दिए हुए हैं उसको पढ़िए। आइसक्रीम यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। सेकेंड, अ सेलर वेंट टू द सी टू सी व्हाट ही कुड सी, बट ऑल ही कुड सी वाज सी सी सी। थर्ड, राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक द रैग्ड रास्कल रैन। स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, कलेक्ट मोर सच टंग ट्विस्टर्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। आपको ऐसे ही टंग ट्विस्टर्स को ढूंढना है और जमा करना है और उसके बाद उस पर एक्ट करना है, ऐसे ही आपको बोलना है। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड हॉप, आपको हॉप के मानी क्या है समझा। विल यू डू वन एक्टिविटी दैट यू नो, आप ऐसी ही एक एक्टिविटी जो जैसे अभी हमने पोयम पढ़े जो एक्शन वर्ड वाली थी या टंग ट्विस्टर था जो बहुत इंटरेस्टिंग था, ऐसी ही एक्टिविटी आपको कुछ ऐसी मालूम है क्या, तो आप वैसी एक्टिविटी का एक वीडियो बनाइए। टेल अ टंग ट्विस्टर, बताइए कि टंग ट्विस्टर क्या है, अभी मैंने आपको समझाया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर दीक्षा या यूट्यूब के लिए यहाँ पर वीडियो की लिंक बताई हुई है, इस लिंक को आप कॉपी करके मुकम्मल पोयम का वीडियो देख सकते हो कि किस तरह से जेस्चर के साथ वीडियो को बताया गया है, अच्छे से बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करके और एक्ट के साथ ये पोयम वहाँ पे बताई गई है। यू कैन लिसन दिस पोयम थ्रू दिस लिंक। अच्छा अब हमने क्या सीखा, टुडे आई हैव लर्नड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द सम वर्ड, टुडे आई हैव लर्नड टू एक्ट, टुडे आई हैव लर्नड सम एक्शन वर्ड्स। हमने आज एक्शन वर्ड सीखे, कुछ वर्ड्स के प्रोनंसिएशन सीखा और हमने उस एक्शन वर्ड के साथ किस तरह से एक्ट करना है वो भी सीखा। इसके अलावा हमने टंग ट्विस्टर सीखे और किस तरह से पोयम को जेस्चर के साथ पढ़ा जाता है वो भी सीखा। आई होप कि आपको एक्टिविटी अच्छी लगी होगी। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।